के पाठक ने आदेश जारी किए थे कि कोई भी एमएलसी हो या शिक्षक हो जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हो, वो किसी भी मीडिया को किसी भी तरीके का बयान नहीं दे सकते हैं। एमएलसी संजय कुमार सिंह जो हैं वो तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आते हैं और फुटाप के सदस्य हैं। रेखा कुमारी ने आरोप लगाया है पत्र जो लिखा है कि उन्होंने उस शिक्षा में बेहतरी के लिए जो शिक्षा विभाग कार्य कर रही है उसका विरोध किया और अखबार में बयान दिया। चाहे वो नेता हो चाहे वो टीचर हो, लेकिन एमएलसी संजय कुमार सिंह ने किया और उसके बाद उनका पेंशन जो है वो रोक दिया गया है। के पाठक के अधिकारी हैं वो फौजियत कराने की तैयारी में है, किरकिरी कराने की तैयारी में है नीतीश कुमार की। आरोप ये था कि उन्होंने मीडिया में आकर बयान दिया और इस फैसले का विरोध किया। लोकतंत्र में ये अधिकार है, विरोध करना और समर्थन करना ये अपना मौलिक अधिकार है। जो शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि कोई भी शिक्षक संघ से जुड़ेगा तो उसके नौकरी से हटा दिया गया है। के पाठक ने सब कुछ पे रोक लगा दी है, जिसको अब बर्दाश्त करने में करने के मूल में शिक्षक संघ नहीं। कि अगर सरकार के पक्ष में खबर चलाई गई हो तो उसे आप लाइक शेयर कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तानाशाह वाली रवैया बिहार सरकार की देखने को मिल रही है शिक्षा विभाग की ओर से। अगर आप सराहना ले रहे हैं तो आपको आलोचना भी बर्दाश्त करना होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो 100% कोई सही नहीं हो सकता है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार में एक बार फिर से के पाठक का है, वो डंडा चला है और ये डंडा इस बार शिक्षकों पर ना चलकर एमएलसी पर चला है। जिस तरीके से के पाठक ने आदेश जारी किए थे कि कोई भी एमएलसी हो या शिक्षक हो जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हो, वो किसी भी मीडिया को किसी भी तरीके का बयान नहीं दे सकते हैं, उसके बाद एमएलसी संजय सिंह ने एक पेपर में अपना बयान दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद एक्शन ले लिया गया है और उनका जो पेंशन है उस पे रोक लगा दिया गया है के पाठक की ओर से। अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे चैनल हेड अमित झा सर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। सर, कैसे देख रहे हैं के पाठक का डंडा अब नेताओं पर चलने लगा है? निश्चित रूप से देखिए, थोड़ा सख्त और हैरान करने वाला फैसला है और इसका असर जो है और इसका बवाल जो है आज फिर से बिहार की सियासत में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, एमएलसी संजय कुमार सिंह जो हैं वो तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आते हैं और फुटाप के सदस्य हैं और उन पर ये आरोप है जो उस शिक्षा पदाधिकारी हैं रेखा कुमारी उन्होंने आरोप लगाया है पत्र जो लिखा है कि उन्होंने उस शिक्षा में बेहतरी के लिए जो शिक्षा विभाग कार्य कर रही है उसका विरोध किया और अखबार में बयान दिया। जी, जो दो मामले थे कि 3 दिन अगर बच्चे एब्सेंट करते हैं तो उनसे, और दूसरा किसी भी शिक्षक को 5 क्लास प्रतिदिन लेना पड़ेगा, इस दोनों मामले का विरोध किया जो कि कहीं से भी सही नहीं है। और शिक्षा विभाग ने देखिए ये आदेश जारी कर रखा है कि कोई भी शिक्षा विभाग के कार्यों का विरोध जो है मीडिया में नहीं करेगा या अपने सोशल साइट पे नहीं करेगा। जो भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो नेता हो चाहे वो टीचर हो, लेकिन एमएलसी संजय कुमार सिंह ने किया और उसके बाद उनका पेंशन जो है वो रोक दिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि देखिए, विरोध तो कई मामलों को लेकर हो रहा है जी, और ये जो एमएलसी संजय कुमार सिंह है वो वाम दल से आते हैं, विकास समझने वाली बात है, वाम दल से आते हैं और वाम दल जो है वो सरकार से जुड़ी हुई है, यानी बिना शर्त समर्थन नीतीश कुमार को विधानसभा के अंदर कर रही है। और ऐसे में अगर ये कार्रवाई हुई है तो बवाल जो है न सिर्फ बीजेपी बचाएगी बल्कि नीतीश कुमार के यानी महागठबंधन के घर के अंदर मचेगा। तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार जो के पाठक के अधिकारी हैं वो फौजियत कराने की तैयारी में है, किरकिरी कराने की तैयारी में है नीतीश कुमार की। सिर्फ ये मामला ही नहीं, इससे पहले भी आपने देखा होगा जो छुट्टी को लेकर जो बवाल हुआ था, ठीक है जी, उसमें आरा के 2 शिक्षकों पर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि आरोप ये था कि उन्होंने मीडिया में आकर
बयान दिया और इस फैसले का विरोध किया। तो अब ये समझिए कि अगर कोई भी विरोध करेगा और आप उस पे कार्रवाई कीजिएगा, आप उसका वेतन काट लीजिएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप 100 फैसले ले रहे हैं तो 100 में से 100 फैसला सही है जी। और लोकतंत्र में ये अधिकार है, विरोध करना और समर्थन करना ये अपना मौलिक अधिकार है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, और खासकर नेता को तो फोर्स नहीं कर सकते ना भाई, एमएलसी है तो सदन में भी एमएलसी अपनी बात रखते हैं। एमएलसी या एमएलए जो है, जब आप देखते होंगे कि सत्र जो चलता है विकास जी, तो कृष्ण जो है वो अपने सरकार के खिलाफ भी करते हैं जी, जो सत्तारूढ़ विधायक या विधान पार्षद होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ठीक है, आप कठोर कदम फैसले ले रहे हैं, कठोर कदम उठा रहे हैं, ये अपनी जगह पे सही है, लेकिन अगर कोई विरोध करता है और अपनी बातों को कहता है कि हाँ मुझे इस फैसले में ये कमी दिख रही है, तो आप उस पे कार्रवाई करते हैं, वो कहीं ना कहीं आप समझिए कि तानाशाह वाला रवैया है। दूसरी बात विकास की, जो अब जो के पाठक की शिकायत जो होने जा रही है, क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था कि जो शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि कोई भी शिक्षक संघ से जुड़ेगा तो उसके नौकरी से हटा दिया जाएगा या उसके कार्रवाई की जाएगी जी, तो उसके खिलाफ शिक्षक संघ जो है वो अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस को लेटर लिखने की तैयारी में है जी, और ये बताने की तैयारी में है कि के पाठक जो है मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं होता है, किसी भी आप प्रोफेशन में जाइए तो लोग राजनीति से जुड़ते हैं, अपने अपना संघ बनाते हैं, ताकि वो जो संघ होता है किसी भी विभाग में आपके अधिकारों की बात कर सके, अगर कुछ कार्रवाई हो रही है तो उसके खिलाफ जा सके। लेकिन के पाठक ने सब कुछ पे रोक लगा दी है, जिसको अब बर्दाश्त करने के मूल में शिक्षक संघ नहीं है जी। विकास जी, जिस तरीके से के पाठक ने दो और आदेश जारी किए हैं जिसमें लिखा गया है कि YouTube हो या सोशल मीडिया साइट हो, उस पे अगर कोई पोस्ट शिक्षा विभाग का हो और सरकार के खिलाफ हो, शिक्षा विभाग के खिलाफ हो, तो उसको आप लाइक भी नहीं कर सकते, उस पे कमेंट भी नहीं कर सकते, उस पे शेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पर एक और लिखा गया है कि अगर सरकार के पक्ष में खबर चलाई गई हो तो उसे आप लाइक शेयर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तानाशाह वाली रवैया बिहार सरकार की देखने को मिल रही है शिक्षा विभाग की ओर से। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपको आदेश जारी करना था तो सीधे करते हैं कि आप किसी भी तरह की खबर को शेयर नहीं कर सकते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जी। हाँ, आप शिक्षक हैं, आपका काम है सिर्फ पढ़ाना जी, लेकिन आपने कंडीशन लगा दिया कि पॉजिटिव है तब लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए पढ़ाई को छोड़ के, और अगर पॉजिटिव नहीं है कोई सोशल मीडिया या फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल या कोई भी मीडिया निगेटिव खबर चला रहा है तो उस पर आप कमेंट भी नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो मैं कह रहा हूँ, ये किरकिरी बनेगा नीतीश कुमार के लिए जी। ठीक है, के पाठक अच्छा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि के पाठक के मनसा पे संदेह है, के पाठक सुधार के लिए कठोर कदम उठा रहे हैं, कई लोगों को चुभेगा, लेकिन कई बार होता है ना कि जब आप इस तरह का कदम उठाते हैं और आपको आलोचना झेलना पड़ता है तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर आप सराहना ले रहे हैं तो आपको आलोचना भी बर्दाश्त करना होगा, अगर आप ये नहीं करेंगे तो 100% कोई सही नहीं हो सकता है, कोई भी नेता या कोई भी अधिकारी 100% सही नहीं कर सकता है। तो के पाठक या शिक्षा विभाग को यह समझना होगा, नहीं तो धाक के तीन पात वाली कहानी हो जाएगी शिक्षा विभाग को लेकर, के पाठक को लेकर। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जी हाँ, एक बार फिर से बिहार में अब नेताओं पर के पाठक का डंडा चल रहा है और ये डंडा साफ तौर पे चल रहा है। उन्होंने साफ तौर पे आदेश दिया था कि के पाठक की ओर से आदेश आता है कि कोई भी सोशल मीडिया साइट पर मीडिया से बातचीत नहीं कर सकते हैं या कोई भी कमेंट और शेयर नहीं कर सकते जो सरकार के खिलाफ हो, शिक्षा विभाग के खिलाफ हो। ऐसे में जो नेता जी हैं, जो एमएलसी हैं, वो मीडिया से बातचीत करते हैं, अपना बयान दर्ज करवा देते हैं, जिसके बाद ये एक्शन देखने को मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।